कामा सूत्र के बारे में हम सभी जानते हैं, वात्स्यायन जी ने ये लिखा था, वह ऋषि थे और काम शास्त्र को उन्होंने विस्तार से बताने के लिए कामा सूत्र को लिखा था। ये हमारे इंडिया में लिखा गया था और इसकी चर्चा देश विदेश में होती है। बट किस चीज़ की होती है एक्चुअली, जिस चीज़ की होती है, क्या कामा सूत्र वही है? क्या ये जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बहुत कम ही लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, ऑनलाइन पे, चाहे आप अमेज़ॉन पे ले लो, कहीं भी ले लो, लिमिटेड जो एडिशंस होते हैं वो आते हैं, रिलीज़ होते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ऑडियो जो लाइब्रेरी है वो मिलती है, आप ऑडियो में भी इसको सुन सकते हो। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं नाम नहीं बताऊँगी, बट बहुत से ऐसे हैं पॉडकास्ट चैनल्स हैं, वहाँ पर भी जाके सुन सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कामा सूत्र है क्या। अगर आपको इतना भी टाइम नहीं है तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनो तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, जो बोलूँगी अपनी बनावट से नहीं बोलूँगी, एक्चुअली कामा सूत्र जो है वही मैं आज सिर्फ 5-7 मिनट में आपको बताने वाली हूँ कि है क्या। हर जगह पे कामा सूत्र को एक मैनुअल, सेक्स मैनुअल जो है उसके रूप में शो किया जाता है। जहाँ भी आप देखो सुनो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कामा सूत्र जो है वो जो सेक्स पोजीशंस हैं, जो पोजीशंस हैं, उसको एलिब्रेट करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए बनाया गया है। बट आप तो इंडियन हो, ये भी इंडिया में लिखा गया था, तो क्या आपको भी यही लगता है इस महान ग्रंथ की असली सच्चाई क्या है? बहुत लोग जानते हैं कि वात्स्यायन जी ने इसको लिखा था। जैसे अर्थशास्त्र को हम बहुत एक महान ग्रंथ समझते हैं जो चाणक्य जी ने लिखा था, ठीक वैसे ही हमारी ये सोच होनी चाहिए कि वात्स्यायन जी ने जो लिखा था कामा सूत्र वो भी एक महान ग्रंथ होनी चाहिए। क्योंकि जैसे अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए लोगों को सेंस होने के लिए कि लोगों को पैसे कैसे कमाने चाहिए, उसको सेविंग्स कैसे करना चाहिए, लोगों को पैसे किस किस तौर से कमाने चाहिए और उसकी लाज शर्म हया, ये सारी चीज़ें काम के लिए होनी चाहिए। खैर, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, वो भी काफ़ी अच्छी ग्रंथ है। ठीक वैसे ही कामा सूत्र जो है वो भी इंसान को अपनी जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने साथी को बेहतर रखने के लिए, अपने काम जीवन को, अपने गृहस्थी जीवन को कैसे रखा जाए, कैसे रखना चाहिए, इससे कैसे शांति आए, हर चीज़ को बरकरार रखने के लिए कामा सूत्र जो है उसको पढ़ना चाहिए। ये वात्स्यायन जी की सोच थी जो उन्होंने अपने ग्रंथ के पहले पड़ाव में लिखा था। पर दुखी बात यह है कि इस ग्रंथ को हमेशा गलत तरीके से ही दर्शाया गया है। और जिस बात को, यानी कि ये एक मैनुअल है, ये पोजिशन को एलिब्रेट करता है, विस्तार से बताता है, जिस पोजीशंस को लेके ये इतने चर्चे में है, देश विदेश दुनिया भर में चर्चे हैं, वो इस ग्रंथ का सिर्फ 20% हिस्से में ही आता है। इस पूरे ग्रंथ के 7 चैप्टर्स हैं, 7 अध्याय हैं, जिसमें से सिर्फ एक अध्याय जो है उसका भी सिर्फ 10% हिस्सा ही पोजीशंस को एलिब्रेट करता है। तो आप खुद सोच सकते हो कि एक्चुअली ये एक मैनुअल है कि नहीं। कामा सूत्र जो ग्रंथ है वो काम को, जो हमारी काम है, काम वासना है, उसको विस्तार से बताने के लिए ग्रंथ को बनाया गया। बट ये जो काम है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। काम यानी कि जो हमारे अंदर की डिज़ायर है, इसको हम काम वासना कहते हैं। इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। इन सारे तरीकों के बारे में इस ग्रंथ में विस्तार से बताया गया है। जैसे कि जो इनर डिज़ायर होता है, जैसे हमारे अंदर जो डिज़ायर पैदा होता है, नॉर्मली हम उसको शांत करने के लिए अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं। ये एक तरीके का काम वासना होता है और इसको हम ऐसे मिटाते हैं। जो अलग लोग होते हैं, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा वासना होती है खाने की, वो लोग खाने से उस वासना को मिटाते हैं। कुछ लोगों का संगीत में होता है, कुछ लोगों का नृत्य में होता है, कुछ लोगों का सुगंध में होता है, यानी कि सेंट में होता है। तो उन्हें अगर कहीं भी कोई अच्छी सुगंध मिल जाती है ना, तो उसको वो इतना ध्यान से सूंघते हैं कि उसके अंदर की जो डिज़ायर है ना वो काम हो जाती है। कुछ लोग मेडिटेशन से अपने काम वासना को मिटाते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। ये सारी चीज़ें इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वात्स्यायन जी ने इस ग्रंथ में एक पति पत्नी के बीच जो रिश्ता है, वो रिश्ता, ये जो वासना है, वो हम हर तरीके से कैसे मिटाए, यानी कि पति पत्नी के बीच खाने बनाने का और खिलाने का, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि पति को कैसे अपने
प्यार में बांध के रखा जाए। तो उसका मैंने एक तरीका बताया था जो कि अपने पति को अगर उसके दिल तक पहुंचना है तो उसके पेट से होके गुजरो, एक बहुत पुरानी कहावत है। तो बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, बट मुझे ऐसा लगता है कि पुराने बहुत से ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया था, जो कहीं ना कहीं आज के डेट में थोड़ी बहुत सच्चाई तो उसमें होती ही है। तो ये भी इस ग्रंथ में है कि आप कैसे उस चीज़ को यहाँ ला इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे आतर जो होता है ना, आप देखोगे बहुत लोग आज भी आतर का इस्तेमाल करते हैं, सेंट का इस्तेमाल करते हैं। मेरी तो खुली पर्सनल आदत है कि कहीं भी बाहर जाती हूँ ना तो मैं इस एरिया पे हमेशा जो बॉडी सेंट है उसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। कहीं भी अगर मैं कहीं जाती हूँ मुझे फील करनी होती है ना तो मैं हाथ को ऐसे सूंघती हूँ तो मुझे अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है। ये सारी चीज़ें एलिब्रेटली इस ग्रंथ में बताया गया है कि कैसे आप अपने काम वासना को, अपने अंदर के वासना को अलग अलग तरीके से मिटा सकते हो। हर इंसान की जिंदगी में चार भाग होता है, धर्म, कर्म, काम और मोक्ष। और वासायन जी ने, जिसका नाम कामा सूत्र है, उस ग्रंथ में ही काम को सबसे नीचे रखा है। सबसे, अगर आप पढ़ोगे तब खुद समझ में आएगा, काम को सबसे नीचे रखा है, सबसे ऊपर रखा है मोक्ष को। सबसे पहले उन्होंने मोक्ष को दिया है, जिसके लिए धर्म का मानना चाहिए, धर्म को मानते हुए कर्म को भी करना चाहिए। कर्म करते हुए हमें पैसे कमाने होते हैं, हमें अपने रिश्तेदारों को संभालने होते हैं, और उसके साथ साथ काम भी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जो मैं इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करूँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे दिल, हमारे दिमाग, हमारे शरीर को शांत रखने में मदद करता है। उसके लिए गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए, पति पत्नी को एक साथ अच्छी तरीके से रहना चाहिए। काम वासना को कैसे मिटाया जाए, उसके लिए कामा सूत्रा में वात्सायन जी ने टोटल 69 पोजीशंस के बारे में बताया है, एलिबरेटली बताया है। और वही 69 पोजीशन आज इतना लाइमलाइट में है, हाइलाइटेड है दुनिया भर में। वैसे है तो बहुत काम के। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में हार्डनेस बहुत कम है, अगर आप संबंध बनाते वक्त ढीलापन महसूस करते हो, अगर आपका मॉर्निंग इरेक्शन भी नहीं होता और जब भी आप संबंध बनाते हो उतना हार्ड आप फील नहीं करते जितना एक सेटिस्फेक्शन लेवल के लिए ज़रूरी होता है, तो आप मिस्ट्रेस कंपनी का बोल्ड फॉर मैन का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसमें ऐसे तो खास इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो इरेक्शन को धीरे धीरे इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें लिविजा है, लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं। इसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करना। इसमें है सफ़ेद मुसली। सफ़ेद मुसली जो है हम सभी जानते हैं कि नंबर वन टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है, और नेचुरली अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो इसके साथ इरेक्शन भी इम्प्रूव होगी, और साथ ही साथ आपके बॉडी में लिबिडो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। और साथ ही साथ आप मिस्ट्रेस एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज कर सकते हो। इसमें एलर्जिनाइन होता है जो आपके प्राइवेट पार्ट के ब्लड वेजल्स को रिपेयर करने में काफ़ी मदद करता है, जिससे आपके प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो अच्छे से मेनटेन रहता है। और इसमें लॉन्ग ऑयल है जो आपके प्राइवेट पार्ट के कैप सेक्शन की जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप कोई अच्छा सा सप्लीमेंट ढूंढ रहे थे अपने इरेक्शन को और प्रूव करने के लिए, तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल करके देख सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल आप जरूर करो, इससे आपको इतना परसेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस पोजीशंस का इस्तेमाल करके, इसको प्रयोग करके पति पत्नी अपने अंदर जो डिजायर है वो पूरा कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को और अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, बोर्डनेस से अपने आप को बचा सकते हैं, वो भी जो बेडरूम लाइफ होती है हमारी उसको भी कैसे हेल्दी रखा जाए उसके विषय में भी वासायन जी ने बारीकी से इस ग्रंथ में बताया है। तो आप खुद समझ सकते हो कि इस ग्रंथ में कितनी सारी चीज़ें हैं। धर्म है, कर्म है, विद्या है, अर्थ है, और साथ साथ काम है, गृहस्थ जीवन की बात की है, शादी करने के लिए हमें कौन सी लड़कियां चुननी चाहिए, कैसा आदमी चुनना चाहिए, कैसे इंसान के साथ हमें ज़िंदगी बितानी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी वासायन जी ने इस ग्रंथ में बताई हैं। प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज को भी उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि उन्होंने बताया है कि जिसके साथ हम ज़िंदगी बिताते हैं उनके बारे में हमें पहले जान लेना ज़रूरी होता है।
तो उस समय में ही उन्होंने प्रेम विवाह का समर्थन किया था। और मैं एक बात और बताऊं, कामासूत्रा बहुत पुरानी नहीं है कि ये आदि युग में लिखा गया था, तो इसमें कोई भौतिक चीजें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप इतना तो समझ चुके होंगे कि कामासूत्रा सिर्फ सेक्स मैनुअल भी नहीं है और पोजिशंस को एलिबरेटली बनाने वाला भी कोई ग्रंथ नहीं है। ये एक टोटल यानी कि टोटली एक कॉन्सेप्ट है इंसान के पर्सनल प्रोफेशनल सोशल लाइफ की, जो कहीं ना कहीं हमारे इंटीमेट रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करता है, किसका किस में इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप डिटेल्स में इस ग्रंथ को सुनना चाहते हो, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप कोई ऑडियो लाइब्रेरी में भी इसको सुन सकते हो। आई होप कि एक इंडियन होके आपको कभी फख्र महसूस होगी कि ऐसे ग्रंथ जो है हमारे देश में लिखे गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।